डेढ़ महीने के अंदर ममता बनर्जी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। कल टीएमसी के 5 कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम है बंगाल के वन मंत्री राजीव बनर्जी का। कल कोलकाता से इन नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाया गया और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने भगवा पट्टा पहनाकर टीएमसी नेताओं का बीजेपी में स्वागत किया। 30 और 31 जनवरी को अमित शाह ने पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन बंगाल की धरती पर उतरे बिना दिल्ली से ही उन्होंने अपने काम को अंजाम दे दिया। ममता दीदी को कल एक और झटका लगा। टीएमसी के नेताओं की एक और खेप कल बीजेपी में शामिल हो गई। इन नेताओं को विशेष चार्टर्ड विमान से दिल्ली लाया गया। पहले टीएमसी के इन पूर्व नेताओं ने अमित शाह को गुलदस्ता भेंट किया, फिर अमित शाह ने सबके गले में भगवा पट्टा डाला। जिस वक्त इन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, उस वक्त अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय भी थे। टीएमसी के जिन नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, उनमें सबसे बड़ा नाम है ममता सरकार में वन मंत्री रहे राजीव बनर्जी। राजीव बनर्जी की अगुवाई में ही ये नेता दिल्ली आए थे और जब अमित शाह से नेताओं को मिलाने की बारी आई तो राजीव बनर्जी ने ही एक एक कर सबके नाम अमित शाह को बताए। ममता के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी के अलावा टीएमसी विधायक प्रबीर घोषाल और वैशाली डालमिया ने भी ममता को छोड़ मोदी की पार्टी को अपना लिया। दोनों को पिछले दिनों टीएमसी से निकाला गया था। बीजेपी में शामिल होने वालों में नदिया जिले के राणाघाट पश्चिम विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय, हावड़ा के पूर्व मेयर रतन चक्रवर्ती और अभिनेता रुद्रनील घोष भी थे। इसके बाद अमित शाह ने एक ट्वीट किया जिसमें बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं की तस्वीर थी।